पर किसी के ऊपर ट्रस्ट न करो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए उसके बाद मेरे स्किन कलर टोन पे भी कमेंट करी थी डाउनटाउन वगैरह में जाती डाउनटाउन पूरा बंद पड़ा था मुझे तो यहाँ की दवाई भी असर नहीं करती इतने टाइम से टाइनानोल ने कुछ नहीं किया मेरे शरीर पे <laughs> आज तक सच्चे में इमरजेंसी के ऊपर भरोसा उठ गया है मैं अब नहीं क्योंकि वो कुछ नहीं करते हाँ दवाई नहीं दे रही थी बंदे ने मुझे तीन महीने तक सैलरी नहीं दी so, आज का पॉडकास्ट एक गुजराती कपल के बारे में है जो पहले तो सस्कैच में थे एंड उनके हस्बैंड यूके में थे यूके और कनाडा का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर पाएंगे और टोरंटो का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर पाएंगे तो so, बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस हुई हैं रेसिज्म के बारे में भी हुई हैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलेगी अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो कैनेडा में सो so तो आपने कैसे डील करना है और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अबाउट यूके कैनेडा सस्कैचवेन आपको मिलेगी वेरी इंफॉर्मेशनल वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट कमेंट में जरूर बताना आपका क्या थॉट है इसके बारे में इंजॉय द कास्ट सो टुडे वी हैव मॉलिक एंड वंदना वेलकम टू कैंडिट कास्ट थैंक यू आपकी जर्नी पता करेंगे यूके की कैसी थी कनाडा में आप रिसेंटली आए हो आप ऑलरेडी कनाडा में इतने टाइम से रह रहे थे बट थोड़ा पीछे चलते हैं आ, इंडिया में आप कहाँ से हो दोनों सो so, हम दोनों गुजरात से हैं uh -huh. मैं द्वारिका से हूँ एंड ये सोमनाथ से सोमनाथ वेरावर तो दोनों भगवान के धाम से ऐसा अच्छा। बोल सकते हाँ। लॉर्ड कृष्णा का फेमस टेम्पल तो धार्मिक आप बहुत ज्यादा दोनों धार्मिक तो बहुत ज्यादा नहीं है पूजा घर हाँ। पे नहीं करते मतलब श्लोक वगैरह का वो है

तो मैं कंपटीशन में भी रहती थी पहले तो उसमें भी वो मेरा पहले से अट्रैक्शन है उस तरह, अच्छा, अच्छा, तरह। कि एटलीस्ट भगवान के नाम वैसे तो दिन में वैसे नहीं करते फास्टिंग वगैरह वैसा कुछ भी नहीं, नहीं। बस इतनी हैबिट है तो ये बस मैं कि दो मिनट जितना और टुगेदर दिन का हो जाए भगवान का नाम ले लिया कई लोग उतना भी नहीं निकाल पाते तो <laughs> हाँ, उतना डेली एक आदत

चेंज कर लिया कंपनी और मैं पुणे चला गया क्योंकि वहाँ पर मेरा कजिन भी था वो ऑलरेडी वहाँ पर रहता था तो मैंने बोला ओके चलो यहाँ पर अच्छा होगा थोड़ा और पुणे वाली कंपनी अच्छी थी तो वहाँ पर हो गया तो दो महीने के अंदर मुझे एक दूसरी ऑफर मिल गई जो अभी मेरी करंट कंपनी है वहाँ से तो बाद में मैंने वहाँ से पुणे में ही पुणे में स्विच कर लिया दो महीने तो में स्विच क्यों किया दो महीने बाद आप पुणे चले गए या दो महीने में क्या हुआ हाँ तो कैसा हुआ कि जो मेरी करंट वो वो पूरी पुरानी कंपनी थी वो आ, उसके जो क्लाइंट्स थे वो सब मिडल ईस्ट के क्लाइंट्स थे और इसके सब क्लाइंट्स थे वो यूएस यूके के क्लाइंट्स थे आ, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे बाहर जाना है तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा ऑपरचुनिटी मिलेगी यूएस यूके या ऐसा कुछ मिडल ईस्ट में वहाँ पर इतना नहीं था ऑन साइड का तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो हो गया अभी कंपनी मुझे एक मिली है तो ये दूसरी भी मिल रही है तो लेट्स ट्राई कि क्या होता है तो इसलिए मैंने जंप कर लिया ये दूसरी कंपनी में एंड uh, वो जंप करने के बाद ऑलमोस्ट नाइन टेन मंथ्स में मुझे एक सऊदी अरेबिया की ऑफर आई तो वो मैन्युफैक्चरिंग uh, कंपनी है तो अलग से ही आई ये कंपनी से नहीं, नहीं। दूसरी कंपनी से ही आई मुझे तो आ, मैंने ऐसा सोचा कि चलो मुझे फॉरेन जाना था मुझे कुछ दूसरा नहीं मिल रहा एटलीस्ट कुछ तो मिल रहा है सऊदी अरेबिया तो मैंने डिज़ाइन डाल दिया वो कंपनी में आ, और मैंने बोला देखो भाई मेरे पास ये ऑफर है अभी मैं ये जा रहा हूँ यहाँ पर तो तब तक मेरा रेपो बन गया था ये कंपनी में तो उन लोगों ने क्या बोला कि ओके तुझे नहीं जाना है जाना हम तुझे यूके भेजते हैं मैंने बोला ओके और क्या चाहिए <laughs> और क्या चाहिए जहां पर मुझे जाना है वहां पर मुझे मुझे मिल रहा है और सामने से कंपनी मुझे दे रही है तो कुछ नहीं चाहिए तो थोड़ा वो था क्योंकि यहाँ पर बेनिफिट्स ऐसे थे सऊदी अरेबिया में कि जो घर था वो घर तुम्हें दे रहे थे कंपनी वाले पेट्रोल uh, अलाउंस वो दे रहे थे इलेक्ट्रिसिटी uh, वो जो भी रहता वो सब दे रहे थे तो तु, तुम्हें खाने का ही तुम्हारे पॉकेट से जाएगा एंड जो भी वो सब पूरा सेव होने वाला है तो थोड़ा कैसा क्यों कि, कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी बट ऑन दी अदर साइड थोड़ा कैसा कि थोड़ा वो अल्टीमेटम होगा यस तो बाद में यूके का मैंने फाइनल किया एंड यूके में Uh, साढ़े चार साल रहा एंड देन आई मूव टू हियर बट यूके का एक्सपीरियंस कैसा गुजरात से मुंबई मूव हुए थे या yeah. पहले उससे पहले किसी और सिटी में अकेले नहीं रहे थे नहीं फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा मुंबई में तो आपको झटके लगे लेकिन हुँ. फिर यूके में कैसा एक्सपीरियंस रहा बिकॉज वो तो एक डिफरेंट कंट्री है यस yes. तो यूके में कैसा रहा कि मेरा स्टार्टिंग में नहीं लगा यार ये कहां पे आ गया क्योंकि मुंबई में जैसे आपको लगा कि मैं लोकल ट्रेन में नहीं कर सकता right. ट्रैवल पे चलो ऐसा कुछ नहीं है बट फिर भी डिफरेंट होगा वहाँ पे कुछ राइट right. तो जब मैं यूके में आया लैंड हुआ दिसंबर दिसंबर मंथ में में हुआ में सबसे ज्यादा ठंड रहती है hmm. तो जैसे मैं वहां पर उतरा तीन बजे एकदम अंधेरा मैंने बोला ये क्या है यहाँ पर शाम के तीन बजे आई मीन अभी तो दिन होना चाहिए अभी अंधेरा कैसे हो गया और थोड़ा सा स्नो फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया वहाँ पर तो थोड़ा सा अलग से ऐसा ओके चलो अभी ये मेरी लाइफ ये है अभी मुझे इसमें ही सर्वाइव करना पड़ेगा बट जब समर आया तब डेज लॉन्ग होते गए लाइक बजे ग्यारह ओके ये तो भी अच्छा लग रहा है मुझे देन वो थोड़ी लाइफ वहाँ पर ऐसे ऐसे चलती गई चलती गई कल्चरल शॉक्स क्या लगे आपको कल्चरल शॉक्स में अगर देखे जाऊ तो पुणे में जो चीजें इजिली अब सोशल हो सकते हो वो वहां पर मुझे यूके में जहाँ पर मैं ठहरा था सी सिटी थी। मैं था डार्लिंगटन में था, में था अच्छा। तो वो न्यू कासल नॉर्थ साइड से यूके में तो उसके पास ही है तो वहाँ पर कैसा था कि हमारे इंडियन कम्युनिटी कम है ये बट बहुत कम है और उसके डार्लिंगटन में तो कोई ऐसा टेम्पल ऐसा कुछ नहीं है बट उसके पास एक मिडसपुरा करके सिटी है वहाँ पर टेंपल है तो ये गरवा वरवा या ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर जाना पड़ता है बट हाँ स्मॉल कम्युनिटी है इतने गेट टुगेदर नहीं होते जैसा नहीं होता होगा बिल्कुल नहीं होता लेवल पर तो बिल्कुल नहीं होता और दूसरा कैसा था कि अगर मुझे कोई बेसिक चीजें भी चाहिए लाइक इंडियन हमारा जो स्नैक्स रहते हैं ग्रोसरी है, या कुछ या ग्रो, ग्रोसरीज मिल जाती थी सब नहीं मिलती थी बट थोड़ी बहुत मिल जाती थी कॉमन चीजें मिलती थी थोड़ी बहुत बट अगर मुझे ऐसा है कि नहीं मुझे हाँ नहीं वो तो कभी नहीं मिला मुझे अच्छा मिला ही नहीं कभी नहीं मिला मुझे अच्छा। और ऐसा कुछ है लाइक स्नैक्स मैंने बोला तो मेरा एक फेवरेट स्नैक्स है गुजरात का बालाजी का ब्रांड है अच्छा। तो वो इतना मेरे लिए वो है ना कि नहीं वो है तो मैं कुछ, मिल मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे तो वो लंदन वंडन आके आप लेते हो तो मैं तीन साढ़े तीन घंटे ड्राइव करके वो लेने जाता था क्योंकि वो मुझे खाने का जब वो होता था ना तब नहीं चलो वहां पर मैं जा रहा हूँ ना अब ये स्पेशल ये शॉप पे जाऊंगा और मैं ये करूंगा हाँ, लेने वाला हूँ तो ऐसा वहां पर हो रहा था एंड अगर कंपैरिजन की बात करें थोड़ी बहुत तो आ, मुझे काफी सारी चीजें वहां पर स्ट्रेंज लगी स्ट्रेंज लाइक ऐसा कि फॉर एग्जांपल वहां पर जब बाथरूम में सिंक रहती है ओके तो वहां पर दो अलग अलग टेप रहते हैं उसके एक में गर्म पानी आता है एक में ठंडा पानी हुँ, आता है ओके okay, तो आई वॉज लाइक कि मुझे हाथ धोने हैं तो मैं कैसे धो पाऊंगा ऐसे ऐसे मुझे करना पड़ता था या जैसे तो, में ऐसा ऐसा नहीं नहीं है नहीं है क्योंकि ये कह दो डिफरेंट ठंडा ठंडा से से और अच्छा हर जगह आई मीन मैंने चार घर चेंज किए चार जगह पे सेम ही सेम ही चीज थी और मैं लंडन गया था वहां पर एयरबीएनबी में मैं रुका था वहां पर भी सेम था मैंने बोला मे बी ये इसका कल्चर ही है ऐसा कि बाथरूम की सिंक है उसमें ऐसा बट जो किचन की सिंक होगी उसमें एक ही सेम अच्छा। जहाँ पर ये की सिस्टम है बट वहां पर थोड़ा ऐसा था कि ऐसे ऐसे करना मुझे पड़ेगा <laughs> दो 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 टैप टैप अलग अलग थे हाँ, दो अलग या तो जल जाओगे या तो ठंडा या तो ठंडा आ जाएगा या तो मुझे कंटेनर खरीदना पड़ेगा या तो अमेजोन से वो जो आता है पाइप वाला वो करना पड़ेगा बट जो वो फैसिलिटी होती है वो ऐसे ही नहीं मिलेगी तुम्हें पहली बार सुना मैंने या बट हाँ ऐसा वहाँ पर था थोड़ा तो वो मुझे भी स्ट्रेंज लगा था कि प्लग्स तो डिफरेंट है पे इंडिया से हाँ वो वो तो अलग है तो... आ, हाँ, इंडिया इंडिया और और अच्छी बात की अगर तुम्हारे पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है तो तुम काफी सारी कंट्रीज में ऐसे ड्राइव कर सकते हो जैसे मेरा लाइसेंस यहाँ पर डायरेक्टली मुझे जी मिल गया तो डायरेक्टली मेरा कन्वर्ट हो गया यूके का पड़ा कुछ नहीं क्या बात कर जस्ट मेरी आई की तो इंडिया में हम लेके आते हैं एक्सपीरियंस राइट फिर उसके बाद हमें देना पड़ता है जी का टेस्ट राइट वन देख जी देना पड़ता है तो कुछ देना ही नहीं पड़ता ने जब वहाँ पे राइट हैंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड फिर भी सब भी तो दो साल का है कन्वर्ट होता है दो साल का होना चाहिए दो साल से कम है देन तुम्हें यहाँ पर जी मिलेगा बट दो साल से ज्यादा है तो डायरेक्टली आपको जी मिल सकता है और दूसरी चीज इसमें ऐसा है कि एक्सट्रैक्ट रहता है जो कि तुम्हारा आया, वो हुँ। हुँ। सब पूरी हिस्ट्री रहती है थोड़े डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लेने आया क्योंकि यहां पर मांगेंगे वो मे बी मांग सकते ऐसा तो मैं वो सब पूरा प्रिपेयर करके आया था वहां से तो ऐसा था दूसरा ड्राइविंग की अगर बात कर रहे हैं हम तो थोड़ी सी चीज मुझे यहाँ पर अलग दिख रही है फॉर एग्जाम्पल वहां पर एक चीज है एमओटी करके तो एमओटी में ऐसा होता है कि तुम्हारी कार जो है वो एवरी ईयर चेक होनी चाहिए लाइक हम इंडिया में, इंडिया में, में pollution चेक होता है हाँ, जैसे पीयूसी करवाते हैं राइट ऐसे वहां पर एमओटी होती है अगर उस एमओटी में फेल हो गया तुम कार नहीं चला सकते तुम्हें वो देना पड़ेगा या तो तुम्हें पॉल्यूशन चेक कार फिटनेस चेक या कार फिटनेस चेक कि प्रॉपर तुम्हारी पूरे साल तक चलने वाली है या नहीं चलने वाली वो चेक होती है फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग कार टैक्स रहता है तो वो एवरी ईयर तुम्हें कार टैक्स भी पे करना होता है वो हाउस टैक्स होता है यस Car -tex, Car -tex. तो यहां नहीं होता इंश्योरेंस हाँ, तो वैसे भी यहाँ पर भी बढ़ते वहां पर वहां भी 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 ही है हाँ। बट ये दो चीज मुझे अलग लगी कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है हाँ। मैंने इसको पूछा की तुम्हारी कार है तो तुम एमओटी करवाती हो तो वो एमओटी क्या होता है यहाँ पर यहाँ पर ऐसा कुछ डिस्करेज कर रहे लोगों को की कार कम चलाओ यहाँ क्योंकि टैक्स लगा रहे इंश्योरेंस का भी एक दिन के लिए कोई और चलाया गया इसकी गाड़ी तो इंश्योरेंस तो लेना पड़ेगा हाँ। एक दिन का मतलब तो इसका मतलब एनकरेज कर रहे हैं लोगों की आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो करेक्ट तो पब्लिक हाँ। ट्रांसपोर्ट वहाँ का बेटर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैंने देखा है यहाँ का किचनर का तो अच्छा है जहाँ पर मैं रह रहा हूँ अभी बट वहाँ पर जो स्मॉल टाउन्स भी रहते हैं उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है अच्छा Uh, जैसे किचनर में लाइक एवरी मेंचनर से किचनर से कंपेयर करना सही नहीं होगा बिकॉज किचनर में बहुत अच्छा है अगर वाला ना मैं आप नाइग्राफ से कंपेयर करो या कैथरीन से कंपेयर करो क्या क्योंकि आप रहते थे सब अब में वहाँ पे ओके तो उसके हिसाब से कैसे अच्छा आप कर सकते हो सस्केचवन आपके में आएंगे तो कैसा है ये इसके डिस्क्रिप्शन में मतलब का का इतना अच्छा नहीं था का बेटर था बेटर। था यूके ज़्यादा बेटर पे कुछ ऐसा कि सैटरडे संडे संडे या एक संडे तो आती नहीं थी सैटरडे भी हाफ डे जैसा ही था तो में अच्छा था एकदम बढ़िया था मुझे इसलिए अगर वो टैक्स ले रहे हैं तो फिर फायदा क्या है हम यहाँ पे कोई भी पे कोई रखते ना जो कार्ड वाला सिस्टम

Uh, कितनी बार तुमने दिन में टैप किया आई I मीन mean, कितनी बार तुमने बस या सब जो भी है वो यूज किया रेल यूज किया उसके बेसिस पे जो तुम्हारा मैक्सिमम uh, अच्छा रेट होगा आई I मीन mean, जो अच्छा रेट होगा वो तुम्हें लगेगा फॉर एग्जाम्पल ओल्ड डे का रेट है तो वो तुम्हें लग जाएगा अगर तुमने एक बार ट्रेवल किया तो वन वन टाइम का रेट लगेगा लाइक like ऐसा तो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट कर लेता है कार्ड के बेसिस पे तो वो तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ता और टिकट भी नहीं खरीदनी पड़ती तो वो एक अच्छी चीज़ लगी मुझे और जो मेरे टाउन में जो मैं टाउन में रहता था वो आ, उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा था तो तुम्हें थर्टी मिनट्स में फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स में आराम से मैं जब ऑफिस जाता था पहले मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करता था तो आराम से बस तुम्हें मिल जाती थी तो वहाँ पर अच्छा था ऐसे तो हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे कुछ हेल्थ केयर का भी एक्सपीरियंस रहा या यूके का रहा मुझे और यहाँ पर मैं कंपेयर कर सकता हूँ अच्छा, क्योंकि यहाँ पे भी रहा है आपका यहाँ पर अभी हुआ है दो तीन बार ऐसा अच्छा, तो, तो कंपेयर कर, कर सकता कंपेयर कर सकता हूँ मैं तो दोनों सिमिलर है कुछ चेंज नहीं है मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्योंकि जो यूके में इमरजेंसी डिपार्टमेंट का मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं वो आपको बात बोलता हूँ कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ था और रात को अराउंड छः आई मीन नोट रात को बट अराउंड शाम को छः सात बजे कुछ प्रॉब्लम हुआ सीरियस प्रॉब्लम नोट सीरियस प्रॉब्लम बट लाइक जस्ट पेन हो रहा था मुझे तो मैं गया इमरजेंसी मेरे फ्रेंड को लेके मैं गया कि चलना मेरे साथ तो वो आया मेरे साथ और हम दोनों गए रात को दो बजे तक बैठे हम वहाँ पर और उसने जब डॉक्टर की बारी आई जैसे कैसा कि, कि पहले नर्स देखती है यहाँ पर भी पहले नर्स देखते हैं बाद में डॉक्टर आते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर ने देखा पहले नर्स ने देखा उसने बोला ये कुछ नहीं है इसे तुम इमरजेंसी में नहीं आ सकते लाइक ऐसा ही उसका कमेंट था एंड देन डॉक्टर आए वो बोला ओके okay, ब्लीड हो रहा है मैंने बोला नहीं ब्रीथिंग बराबर है मैंने बोला यस yes. तो क्या ना क्या प्रॉब्लम ही नहीं बहुत है, है पेन हो रहा है ओके पेरासिटामोल यहाँ पर कैसा टाइनानोल देते हैं राइट वहां पर है पे, पेरासिटामोल और अगर थोड़ा सा ज्यादा पेन हो आई दे देते हैं अच्छा। बस तो दोनों का अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों का सेम और ही यहां है आप कह रहे हो यहाँ पे भी रहा एक्सपीरियंस यस यहाँ पर भी अभी दो वीक पहले ही ऐसा गए थे कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो तीन या चार घंटे का वेटिंग था तो पहले नर्स ने देखा बाद में उसने देखा डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने बोला कि ओके तुम्हारा हमें रेफरेंस देना पड़ेगा दूसरा जो कंसल्टेंट रहता है उसको तो उसका कंसल्टेंट का कॉल आया कि क्योंकि तुम्हारी आ, रेफरेंस अभी दूसरी जगह पे चल रहा है इसलिए ये मैं ये अपॉइंटमेंट कैंसिल कर रहा हूँ मैंने बोला ओके वो ठीक है कि आप कैंसिल कर रहे हो क्योंकि हमने हम गए क्यों इमरजेंसी में क्योंकि थोड़ा जल्दी चाहिए जल्दी चाहिए इसलिए हम वहाँ पर गए अभी तुम कैंसिल कर रहे हो वो पहले वाला हमें पता है पहले वाला दो महीने बाद होगा मे भी चार महीने के बाद का है अच्छा। इसलिए हम गए इमरजेंसी में कि थोड़ा जल्दी हो जाए तो वो जो जो बंदे को रेफरेंस डाला उसका कॉल आए कि तुम्हारा वो चार महीने के बाद है ना इसलिए हम ये कैंसिल कर रहे हैं तो, तो बात क्या हुई है I mean, अर्जेंट केयर की जरूरत है तो तुम कैसे हैंडल कर रहे हो वो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है तो वो दोनों जगह पे लगा दोनों जगह पे सेम है अगर आप पे 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 करता था अच्छा ऑप्शन है एग्जैक्टली गुड नहीं नॉट एक्चुअली क्योंकि जो वहाँ का नेशनल इंश्योरेंस है ओके एन बोलते तो वो तुम्हें टेन परसेंट ऑफ योर सैलरी वो हर महीने जाता है उसको जो हॉस्पिटल की जो सिस्टम है वहाँ की बट केयर दोनों सेम ही ओके यहाँ पर कनाडा में हम कुछ पे नहीं करते सेम आ, जो हमें केयर मिल रहा है यूके में एक्स्ट्रा तुम्हें टेन पे करना पड़ेगा बट ये सेम चीज

मूवीज़ तो वगैरह में डिफरेंस, क्या लगा? बहुत, हाँ। बहुत डिफरेंस है हाँ। आ, वो टैप वाला <laughs> तो, आपको बताता हूँ कि जब आप कोई घर के लिए जाते हो रहने के लिए जाते हो रेंट में लेते हो तो कोई क्लीन करके नहीं देता यहाँ पर यहाँ पर एटलीस्ट बेसिक क्लीनिंग करके देते वहां पर कोई नहीं देता अभी रिसेंट एग्जाम्पल है मेरी कलीग है तो उसने रेंट पे लिया घर वो घर दो साल ऐसे ही बंद पड़ा था वो बंदे ने कुछ क्लीन नहीं करवाया ऐसे ही वो बंदी को दे दिया यूके में और हाँ और वो घर में बग्स थे तो उसको इन्फेक्शन हो गया स्किन इन्फेक्शन और पांच दिन तक वो जॉब में नहीं आई तो ये चीज वहां पर तो ऐसा हर कोई करता है मैंने नाइन्टी परसेंट देखा जब है। आप मूव हुए किसी जगह ऐसे मिलता है ऐसे ही मिलता है कुछ कोई क्लेम तो तो नहीं तो करता अच्छा पेंट कर देते हैं तो इनफैक्ट और प्रोफेशनल uh, क्लीनिंग करा के देते हैं <laughs> कुछ नहीं होता वह प्रोफेशनल क्या घर वाले भी नहीं कर, करके अच्छा। कर देते कुछ कुछ नहीं और जो पुराने घर वाले जो आई I मीन mean, जो रह के गए वो कुछ इतना क्लीन करके नहीं जाते यहाँ जब yes. पता है कि गंदा हो क्योंकि जब मुझे मिला है तब तो इतना बेकार मिला है तो मैं जब जाऊंगा मैं क्या सोचूंगा मुझे कैसा मिला मैं ऐसा ही देने वाला हूँ <laughs> तो सबका वो माइंडसेट वैसा है दूसरा एक ऐसा है कि जो बैक स्ट्रीट रहती है फॉर एग्जांपल हाउस के पीछे स्ट्रीट रहती है बैकयार्ड जैसे हमारे है। बेक बैकयार्ड के पीछे जो एक स्ट्रीट हाँ, रहती हाँ। है जो एकदम स्मॉल रहती है तो वहां पर तुम्हें ऐसा फील होगा कि आ, एकदम क्या बोलते हैं उसको इंडिया जैसा, इंडिया जैसा थोड़ा वो के, दो घर अच्छा। के बीच में नहीं होती, होती। यहाँ पर क्या ये डस्टबिन जो रहते हैं वो सब लोग रखते है तो जो लेने वाले आते है काउंसिल वाले तो वो लेके जाते हैं बट जो कचरा ऐसे पड़ा रहता है वो ऐसे ही पड़ा रहता है और इतना गंदा तुम्हें फेल होता है कि क्या तो है? वो स्ट्रीट कि चीज के 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 लिए 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 यूज होती है गाड़ी भी निकालने के लिए? नहीं, गाड़ी निकालने नहीं नहीं ऐसे जो हाउसेस की जो पूरा लाइन रहता है ना उसके बीच में एक क्लीन रखना पड़ता है नहीं। तो वो, वो एक है बाकी मुझे एक डिफरेंस दिखा आई नो मे बी दूसरों के लिए नहीं होगा बट मेरे लिए कैसा था की मैं आया इंटर कंपनी ट्रांसफर वीजा में आया यूके तो जो सैलरी जो रहती है सैलरी का जो पूरा वो वो मुझे कम लगी कनाडा के कंपेयर में यूके में यूके में यूके अच्छा। में कम अ, कम लगी क्योंकि यहाँ पर सैलरीज के अभी जी कोल आ रहे हैं मुझे ओके और जो उन लोगों ने इंक्रीमेंट जो भी यहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया है तो अच्छा दिया बट जो अ, अभी कोल भी आ रहे हैं मुझे काफ़ी सारे जॉब के तो उससे पता चलता है कि दोनों का आपको कम ऑफर हो रहा है यहाँ पर अभी अच्छा है कनाडा में बट यूके में बहुत लेकिन कम जो आपको ऑफर आ कनाडा में आ रहे हैं वो भी अच्छा है वो भी अच्छा रहा वो भी अच्छा, अच्छा है तो अच्छा। तो वो अगर कंपेयर करो तो... कि यूके में अगर कोई बंदा जॉब के लिए हाँ। फाइंड कर रहा है तो उसको इतनी ऑफर नहीं मिलती बट आपके जो फ्रेंड्स वगैरह थे वहाँ पे कुछ आइडिया होगा आपको तो वहाँ पे जो आपका पैकेज था यूके में पूछ सकता हूँ कितना था

मैंने दो तीन केसेस देखे हैं तो अच्छा पैकेज मिलता है ट्रांसफ़र लेने में ओके इंस्टेड ऑफ कि आप यहाँ पर जब अप्लाई कर रहे हो तो कम मिलता है ओके okay. मतलब मेरा पर्सनल ऑब्जरवेशन है आई एम नॉट श्योर कितना ट्रू है कितना नहीं है क्योंकि मनप्रीत के साथ हुआ है वो एंड hmm. और भी दो तीन लोगों के साथ हुआ है तो इट्स बेटर कि ट्रांसफर और फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं आपको कुछ अलाउंस मिलता है सेटलमेंट का राइट ट्रांसफर या राइट right? सो oh, so yes. वो एक बहुत एडेड uh, एडवांटेज होता है right. पैसे बहुत सेव हो जाते हैं पैकेज भी अच्छा मिल जाता है राइट सो इन इन अ वे यू आर लकी सो कनाडा पे आया है कि यूके की कुछ और बातें बतानी आपने तो अभी <laughs> या मोबाइल प्लान की मैं बात आ, करता हूं तो आ, जब यहां पर आए मैं शॉक हो गया कि इतने सारे पैसे मोबाइल प्लान के क्यों हाँ। होते हैं फॉर एग्जांपल अभी मेरा है फिफ्टी सिक्सटी अराउंड कुछ है फिफ्टी सिक्सटी तो कम है ओके <laughs> okay. पहले सेवेंटी फाइव तक था अभी थोड़ा कम हुआ है ओके okay. बट फिर भी सिक्सटी में भी आपको मे बी टेन जी बी ट्वेंटी जी बी होंगे तो यूके में कैसा है कि मोस्ट ऑफ लोग जितने भी मैंने देखे वो सब प्रीपेड ही यूज़ करते हैं पोस्टपेड कम यूज अच्छा? करते हैं तो प्रीपेड में कैसा रहता है कि फॉर एग्जांपल एकदम यहाँ की फाइडो कंपनी है फॉर एग्जांपल उसकी कंपेयर में यहाँ पर वहाँ पर की कोई भी कंपनी ले लिया हमने तो फिफ्टीन पाउंड्स में फिफ्टीन मिनट्स हार्डली ट्वेंटी फाइव थर्टी डॉलर हुए यहाँ के तो फिफ्टीन पाउंड्स में तुम्हें अनलिमिटेड इंटरनेशनल कॉल

बट प्रीपेड में आपको डेटा ही नहीं मिलेगा ना या yeah. वहाँ पे एटलीस्ट फिफ्टीन फिफ्टीन ट्वेंटी जीबी आपको आराम से मिल रहा है और इंटरनेशनल अनलिमिटेड आई मीन आपको क्या चाहिए आपको अगर घर कॉल करना है आपके पास इंटरनेट नहीं है आप कहीं पे भी कॉल कर सकते हो राइट सो वो अच्छा है तो सस्ता है या तो वहाँ से जब मेरा

और पार्किंग वार्किंग सब फ्री वो तो पूछना भी नहीं है वहाँ हाँ इंटरनेट नहीं था पर खैर चलो वहां पे भी वैसे थे कि न्यू कमर के लिए दस डॉलर का था बैल अच्छा। का कुछ अभी याद नहीं बहुत टाइम हो गया पर हाँ। वो दस डॉलर में मतलब के लिए मेरा नाम रजिस्टर वो था, तो दस डॉलर पे वो इंटरनेट भी आ रहा था बहुत चीप है वहाँ पे फोन प्लान भी चीप है सेम सेम प्लान सेम आप चेक करोगे हाँ बहुत चीप है प्लान तो कनाडा में कैनेडा वहाँ के डिस्क्रमडेशन हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अच्छी थी वहाँ पे हाँ जी कम थी और लेकिन वेदर आप कह रहे हैं वहाँ पे ज्यादा वेदर ज़्यादा वैसा था और हाँ। वेदर की वजह से मेरी तबीयत भी बहुत बिगड़ गई थी बहुत भयंकर वाली मैं आई उसके दो तीन महीने में ही मुझे सेकेंड टर्म चिकन पॉक्स हो गया था और मेरे को पता नहीं था यहाँ का कल्चर का कितना वेटिंग ये सब होता होगा तो मतलब हालत देखते तो पता चल ही जाता है वो पिम्पल जैसा हो जाता है बहुत खराब हालत थी तो डॉक्टर को मैंने विजिट किया था दो तीन बार हुँ. तो वो फीमेल डॉक्टर थी उसने देखा उसको लगा भी था कि हाँ चिकन पॉक्स है पर वो दवाई नहीं दे रही थी मेरे को कह रही कि पहले ब्लड रिपोर्ट करना पड़ेगा उसका रिजल्ट आएगा बाद में ही आई एम अलाउड टू डू दैट तो फिर ब्लड रिपोर्ट के रिजल्ट चार दिन के बाद आने वाले थे और चिकन पॉक्स का तो ऐसा है कि बढ़ गया तो मतलब पूरे शरीर में वो फैल जाएगा रातों रात तो चार दिन तक उसने दी ही नहीं दवाई मैं ऐसे ही और इतना बुखार चढ़ गया हाँ और तबीयत खराब हो गई मेराइट भी वो हो गया खाना पीना सब बंद मुझे गले के अंदर भी हो गया था पूरे शरीर में अंदर भी तो खाना पीना भी मतलब मैं पानी भी जैसे झल रहा था मेरा तो उसकी वजह से खाना पीना बंद तो मैं ऑलमोस्ट फेंट होने वाली थी तो फिर रात को मुझे एम्बुलेंस में लेके मतलब वैसे करके मुझे हॉस्पिटलाइज किया वहाँ पे एक वीक मेरा रहा मतलब मैं तब मेरे तीन ही महीने हुए थे और खाना पीना जैसे बनता था और यहाँ से जा रहा था सर ट्रिप लगा दिया हाँ फिर होते होते तीन या चार दिन के बाद बोला कि अब तुम्हें स्वेलो ही करनी है मेडिसिन थोड़े से बेटर हो गए थे तो आई डोंट नो कुछ हो गया था पेट में इन्फेक्शन जैसा कि सब वॉमिटिंग ही हो रहा था तो फिर बटर मिल्क मेरी फेवरेट है पहले से हम गुजरात से तो <laughs> <laughs> बहुत बटर मिल्क पीते रहते हैं तब तो वो पीते एवरी डे मिल्क ऐसा चाहिए <laughs> उससे थोड़ा ठंडा होता है वो पसंद नहीं था पर कुछ दवाई कुछ खाने के लिए उसके बाद ही चाहिए hmm. तो सोलिड जाता नहीं था तो मैं बटर मिल्क के ऊपर वो दवाइयाँ लेती जा रही थी सिर्फ बटर मिल्क पीऊँ और वैसे करते करते करती थी तो वैसा हुआ था और हॉस्पिटल का दूसरा भी खराब एक्सपीरियंस था

और मैं नई नई थी मतलब इतना वो कम्युनिकेट नर्स के साथ करना एनर्जी भी नहीं थी फैमिली या कुछ वैसा वो नहीं था और खाना बनाना तो कुछ करना तो डिफिकल्ट रेडी था वो भी मैं खा भी नहीं पा रही तो वैसे भी बहुत थोड़ा डिप्रेसिव हो गया था वो वाला तो हाँ डॉक्टर की ये है तो फिर क्या एक्सपीरियंस सेकेंड फूड कौन हो गया था फूड कौन पता है पैर में जो होता है ना वो वाला तो वो फूड कौन हो गया तो वो होता भी ऐसी जगह पे है कि चल हो वो बीच वाली जगह पे नहीं होगा वैसे ही होता तब मेरी स्टैंडिंग जॉब थी और इतना पेनफुल धीरे धीरे होते और मुझे पता चल गया था कि ये फूड ही है क्योंकि एक बार मुझे इंडिया में हो गया था वो तो छोटा सा दाना जैसा हुआ था तब से मैं डॉक्टर की विजिट करी मतलब कितने महीने हो गए वो में नहीं हाँ मतलब दवाई ही नहीं दे रहा वो दवाई नहीं दे रहा मैंने इतनी बार विजिट करी दूसरा डॉक्टर था क्यों नहीं दे रहा रीजन उसको पता नहीं चल रहा था कि क्या है मैंने बोला हंड्रेड परसेंट फूडकॉन ही है ठीक है मैंने अपने पुराने फोटोज़ भी दिखवाए कि यह ऐसा ही एम डेम शोर कि ये फिर उसने वो पता है वो रिंग आती है जो मेडिकल में बाहर आ, ओवर द काउंटर मिल जाती है तो वो वैसा सजेस्ट करा था कि ये कर मैंने बोला वो मैं कब से कर रही हूँ <laughs> पूरे घर के वो देसी जो होते हैं ना मेट क्योंकि मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे इतनी जल्दी हेल्प नहीं मिलेगी मैं घर पे जितना होता था वो करती रहती थी तो उसने कुछ किया नहीं किया नहीं किया नहीं कितनी बार होते हो तो इतना बड़ा सा वो दाना जैसा हो गया मेरी सेंडिंग जॉब है आठ आठ दस दस घंटे उसके ऊपर लेके मैं कर रही हूँ और हो ही नहीं पा रहा था देन आई डिसाइड आई रियलाइज कि मेरे को ही ऑपरेशन करना पड़ेगा मतलब ऑपरेशन जितना तो नहीं बोल सकती पर जो भी मेरे को सोल्यूशन करना पड़ेगा आप इमरजेंसी में नहीं जा सकते थे वहाँ पे कहीं कुछ हेल्प ही नहीं मैं मुझे सच्चे में इमरजेंसी के ऊपर भरोसा उठ गया है मैं अब नहीं ट्रस्ट करती क्योंकि वो कुछ नहीं करते क्योंकि करते तो कहते कि ये स्पेशलिस्ट है वहाँ के पास जाओ और उसके बाद तो साल भर के बाद छः महीने के बाद अपॉइंटमेंट्स मिलती है राइट और मैं बार बार जॉब में से छुट्टी भी नहीं ले पा रही थी तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने आ, मैंने इसको ना सफोकेट करना होता है और एकदम वो जैसे पानी में भिगोते भिगोते वो स्किन कैसे वो वाइट हो जाती है तब जाके वो उसका वो कर करने से हो जाएगा मैंने सब वीडियोस वगैरह में देखा था तब समर था गर्मी भी थी तो मैंने वैसे पेट्रोलियम जेली आता है ना वो क्रीम नहीं पेट्रोलियम जेली वो इतना भर के लिया इतना ज़्यादा लगाया प्लास्टिक के तीन चार बैग्स उसके ऊपर कर दिए सॉरी हाँ वो किया उसके ऊपर फिर मैंने सॉक्स वगैरह ऐसे पहनिए ताकि उसको पूरी रात वो सफोकेट हो जाए वो लगा के सो गई ठीक है सुबह उठी बाथरूम में मैंने फटाफट वो निकाला शावर से पहले वो बकेट में पैर को सौ करके रखा मिनट ताकि ज़्यादा हो जाए फिर वो जो स्टोन आते हैं ना घिसने के उसके लिए मैं घिसना मैं शुरू कर दिया मतलब इतना पेन हो रहा है आई कैन स्टिल रिमेंबर दैट इतना पेन हो रहा था इतना पेन हो रहा था फिर भी वो आधा दाना निकला उसमें से फूडकोन कैसे कि उसका फाइव परसेंट भी रह गया ना वो धीरे धीरे होते होते ग्रो करके फिर से वो फुल बड़ा हो जाएगा तो मुझे लगा मुझे इतना पेन हो रहा है फिर भी नहीं निकला अब मैं क्या करूँ फिर भी से, सेम डे में जॉब गई मैंने स, पूरे दिन यही सोचती रही कि मैं क्या करूँगी रात को आई घर मैंने सेम वो करा फिर से वैसलीम पेट्रोलियम जेली करा प्लास्टिक की बैग्स सॉक्स वगैरह दूसरे दिन फिर से वो घिस घिस के करा मुझे याद है फोन भी थोड़े थोड़े निकलती और दो तीन चार लेयर निकल जाते ना तब जाके मैं डक टेप लगा के जॉब पे जाया करती थी क्योंकि जो जितना सॉफ्ट कुशन जैसा वहाँ पे मिले और यूनिफॉर्म भी ऐसा था कि ब्लैक शूज ही पहनने क्या जॉब थी आपकी वो मेरी रिटेल में ही थी मैं आ, हाँ, सोर्स में मैं काम कर रही थी वहाँ पे तो स्टैंडिंग पूरे दिन की वहाँ पे थी तो वैसे मैंने फूड फूटकोन निकाला यहाँ पे घर वाले परेशान हो गए थे इसको तो ऐसा कुछ बोला था मत हाँ, और... लो ये, ऐसा तो काट लेंगे, तुम टेंशन <laughs> ये सर्जरी कर देंगे मैंने बोले क्या कह रहे को नहीं निकल रहा इन लोगों से सीरियसली हाँ ये थोड़ा सा जितना आप मतलब और छोटी सिटी में जाते तो वहाँ पे और डिफिकल्ट हो जाता ये है चैलेंज मतलब लकी है जो लोग जिनका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, हो हो जाता जाता है।, है। या। और बाकी को बहुत, बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है कईयों को बिल्कुल एक्सपीरियंस करना ही नहीं पड़ता तो दे आर लकी कि हेल्दी रो बट ये वाली चीजें तो हेल्थ से रिलेटेड नहीं है तो इन्फेक्शन वगैरह ये सब तो किसी को भी हो सकता है वायरस है नॉर्मल सो लकी है जो लोग नहीं मिलते कि एक्सपीरियंस पेन हाँ। हो सकता है सो हाँ। मतलब हाँ। हाँ। so, जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया वो समझ नहीं सकता जिसने एक्सपीरियंस किया है वो पेन सहा है और हाँ। वो ही रियलाइज कर सकता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये तो इसलिए मैं सबको यही कहती हूँ जो भी मेरे फ्रेंड्स कोई भी आते पूछते कि इंडिया से दवाई भर भर के लाओ चलो ए वाली तो प्रॉब्लम्स एक्सीडेंटल uh, है पता नहीं है नहीं। पर जैसे खांसी सर्दी नॉर्मल था मुझे तो यहाँ की दवाई भी असर नहीं, नहीं करती इतने टाइम से डायनानोल ने कुछ नहीं किया मेरे शरीर में आज तक कितनी भी खा लो तो मैं तो इंडिया की दवाई यूज़ करती हूँ गले की या पेन किलर या कुछ भी है सिंपल बक्सा भर के ही रखो ऑलवेज एक्सपायर हो जाए फेंक दो या से फिर भी वो चीप होएगा डायनानोल से तो चीप ही है हमारी इंडियन दवाई पर असर मैं डोल

ये कुछ नहीं है और भगा देंगे आपको लाइक वो ऐसा ट्राई करेंगे कि ये जल्दी निकल जाए मेरी ऑफिस से क्योंकि उसको वो सिचुएशन टैकल करना नहीं पता उसको पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है आदमी को लाइक लोगों को तो वो चीज मैंने वहां पर भी देखी यहां पर भी देखी क्योंकि यहां पर यह कि सब कुछ डॉक्यूमेंट होता है फॉर एग्जाम्पल आप गए हो डॉक्टर के पास आपने बताया कि पेन हो रहा है सपोज और उसने अवॉइड कर दिया और आपका मे बी वो पेन बहुत लाइफ रिस्क पेन है हुँ, और गॉड फॉरबिड अगर कुछ होता है तो so डॉक्टर के पास रिकॉर्ड होगा सब कुछ होगा कि आपने ढंग से क्यों नहीं ट्रीट किया कर दी थी oh, जैसे yeah. so, yeah. know, but, okay. क्योंकि सब कुछ अगर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो आपका रिकॉर्ड आता है राइट फिर रहता है कि इस बंदे ने इस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया है वाज वॉज डिस्कशन ये कंक्लूजन था ये मैंने मेडिसिन दी है सो so, ये अच्छी बात भी है क्योंकि अगर आप किसी के पास भी जाते हो तो आपके पूरा कैनेडा का हेल्थ रिकॉर्ड डॉक्टर के पास होता है वो अच्छी बात भी है राइट right. बट हाँ डॉक्यूमेंटेड रहता एक है दूसरी इसमें मैं पॉइंट ऐसा बोलूँगा जो मे बी बेनिफिशियल भी रहेगा जो पेशेंट है उसके लिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल कल को जाके कोई प्रॉब्लम होता है बड़ा वाला ओके okay, तो अगर आ, किसी को उसके लिए हम जो बोलते हैं कि रूडकोस कि उसका फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई दवाई नहीं दी या ऐसा कुछ हुआ या ऐसा कुछ हुआ तो वो केस कर सकता है वो स्पेसिफिक डॉक्टर के ऊपर या जो क्लिनिक है उसके ऊपर तो अगर उसका डॉक्यूमेंट सब निकलेंगे तो पता चलेगा कि ये बंदे को ये टाइम पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था ये यहाँ पर लिखा है ओके okay, ये दवाई दी है बट इसने प्रॉपर दवाई नहीं दी या इसको प्रॉपर पता नहीं चला या इसने रेफरेंस नहीं दिया तो वो सब ट्रैक अगर होगा तो अगर कुछ ये पूरा जब हिस्ट्री निकलेगी तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ आ, कुछ ना कुछ मिलेगी मिले हाँ, तो ये रिकॉर्ड रखने से वो हेल्प हेल्प भी होता हेल्प होता है होता है यस क्योंकि पे आप कर सकते हो आप लाइक like, कोई भी प्रोफेशन हो आप गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बिकॉज जो गवर्निंग बॉडी होती है जो लाइसेंस देती है उनको आप जाके न, नेम सर्च करो यू कैन कंप्लेन बिकॉज और फिर उनका रिकॉर्ड सब कुछ होता ही है सो करेक्ट करते भी जरूरत पड़ती है तो लेकिन रिकॉर्ड अगर रखा हो तो हेल्प भी होता है राइट सो दैट इज गुड थिंग आपको फिर अब आके खाना पीना गरबा वगैरह सब कुछ हो, हाँ, है पे? हाँ ये हो रहा है वहाँ में में में? में? अच्छा। पे नेटिव लोग बहुत ज्यादा है और थोड़ा रिस्की भी फील हो रहा था टू तो बी ऑनेस्ट डाउनटाउन वगैरह में जाती डाउन पूरा बंद पड़ा था नेटिव से भरा पड़ा और उसके हर एक वो कमरे पे मिसिंग गर्ल्स के चेंज होते रहते थे फोटोज़ वगैरह थोड़ा सा रिस्की वाला वो था वो तो था ही मिसिंग गर्ल्स का कैसे मतलब क्राइम क्राइम के उसमें मैं कहूँ तो वहाँ पे ज़्यादा वो होता रहता था ऐसा और जॉब रेसिज्म में ये कि मैं गई थी तो ग्रुपिज्म स्टार्ट किया था धीरे धीरे तो चलो वो तो हम इग्नोर भी करते हैं कि नए नए हम जा रहे हैं कोई कि कोई इन्वॉल्व नहीं करना चाहता कोई इनसिक्योर होता है कोई भी रीज़न जो भी हो तो मुझे बोल देंगे कि तुम बाहर चली जाओ तो जैसे कि हम तीनों की ऐसी ऑफिस है मुझे कहते हैं कि तुम चली जाओ तो मैं बाहर खड़ी रहती थी घंटे घंटे तक ये दरवाज़ा बंद करके बातें कर रहे ये कर रहे वो कर ब्रेक, रहे हैं ब्रेक की बात कर रहे हो नहीं नहीं बिजनेस आवर्स में से अच्छा ग्यारह बजे निकाल दिया बाहर में खड़ी रही इतने

क्योंकि ऑफिस में मेरे पेपर्स टेबल्स यहाँ पे था ना तो मुझे खड़ा करके वहाँ पे कर दिया ठीक है फिर कॉल्स जिसके आते हैं तो डाइवर्ट हो जाते ना जैसे एक्सटेंशन लगा दिया तो इनके कॉल्स बचते तो मुझे यहाँ से चिल्ला के कहते थे कि सुना नहीं दे रहा कॉल आ रहा है हम यहाँ पे बिजी है तो उठाओ कॉल करके तो इन लोगों के कॉल यहाँ पे बचते थे तो मैं बाहर से एक्सटेंशन वाला करके मैं हेल्प करती थी कोई कस्टमर आएगा तो वो रिसेप्शन वाला था तो वहीं पे आएगा तो मैं नहीं थी तो मुझे कितने सारे क्वेश्चंस थे तो मैं पूछने नॉक करने के लिए भी मैं डरती थी क्योंकि मेरे को रूडली जवाब देते थे ऐसा करते थे उसके बाद मेरे स्किन कलर टोन पे भी कमेंट करी थी कि ये मतलब डायरेक्टली नहीं बोला था कोई एक दूसरी आई थी जो फिलिपिन थी तो बोला वो वाह तुम फिलिपिन हो फिर भी तुम इतनी वाइट हो वरना तो दूसरी कंट्री से आते तो वो इतने होते ऐसा करके कमेंट करी थी वो भी चलो ठीक है पर वहाँ पे आ, मुझे वॉशरूम में फ्लश नहीं करने देते थे <laughs> वॉशरूम नहीं देते थे। नहीं जाती थी <laughs> मैं <भी मौश्रु> <laughs> कोई नहीं है ना, बड़ा है मतलब वहां पे जाती थी तो मुझे कहते थे कि फ्लश नहीं करना है क्योंकि सिटी में वाटर का क्राइसिस चल रहा है तो ऐसे बहाना बना दिया था तो तीन दिन तक फ्लश नहीं करने देते थे ऑफिस में और भी तो लोग यूज करते वो लोग दूसरा करते थे मतलब गर्ल्स का था मैनेजर का था और बॉयज का था तो वो वाली थी वो मैनेजर मतलब मैनेजर भी सेम ही थी रेसिज्म में तो वो लोग सब वो करते थे अंदर वाला यूज उस टाइम के लिए क्योंकि मैं तीन दिन तक वो वाला करती थी यूज तो वो भी नहीं करने देते थे स्टेपलर यूज करूँ मतलब वो ना न्यूज की कंपनी थी तो बहुत पेपर वर्क होता था तो उसमें स्टेपलर यूज होता है क्योंकि बार बार अलग अलग फाइल्स बनाने जाती है तो मुझे वहाँ से भी वो चिल्ला कैसे कहते थे कि स्टेपलर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए मेरा मुझे हेड ए और है मतलब तुम कैसे स्टेपलर बिना यूज करे फाइलिंग कैसे करोगे और मेरा तो काम ही वही था तो वहाँ पे वैसे चिल्लाते रहते थे कि ये मत करो हैड हो रहा है तुम्हारे स्टेपलर की वजह से ये वो छोटे मोटे ताने वाने सुनाते रहते थे खाने पीने का कुछ ना कुछ कहते रहते थे तो वैसा बहुत चलता था वहाँ तो वहाँ पे कोई और इंडिया से कोई और साउथ एशिया से नहीं था थे बहुत कम थे पर ज्यादा वाइट एंड नेटिव ही थे वहां तो पे। उनसे आप बात करते थे वो उनके साथ कैसा नहीं मैं नहीं थी तो मुझे लगता था मैं बोले मुझे एहसास ही नहीं होता कि ये वॉशरूम का जबरदस्त हुआ ना तीन दिन तब मुझे वो फील हुआ मैंने बोला कि मैं विदाउट फ्लश तीन दिन कैसे यूज कर तो बोले कि वो सिटी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी तब करेंगे तो मैं देखती हूँ तीनों लोग वो वहाँ से मतलब वो अंदर वाला यूज़ करे प्राइवेट वो देख के हंस रही थी मैं वही वॉशरूम बार बार जाके यूज कर रही हूँ मतलब मजे लेना किया, पे मैंने तब नहीं किया था मैंने जब छोड़ दी मेरे में बहुत होता रहता था कि मुझे बता देना चाहिए था बताया था या उसमें क्या प्रॉब्लम थी वो जो जॉब थी ना वो एक ओनर ने बेच दी थी दूसरे ओनर ने टेक ओवर किया था वो दूसरे प्रोविंस में रह रहा था वो शिफ्ट नहीं हुआ था तो जैसे कहते हैं कि ऑफिस का ऊपर वाला कोई था ही नहीं और कस्टमर सर्विस भी बिगड़ गई थी सब कुछ बिगड़ गया था तो मैनेजर भी अगर रेसिस्ट हो उसके ऊपर कोई बैठा ही नहीं है तो वो मन चाहे वो सब कर सकता है राइट कोई अगर आ रहा है जा रहा है तो नया ऑनर था तो वो था नहीं तो मैं थोड़ा सा वैसा सोच भी रही थी कि अगर वो आ जाएंगे तो मैं बता दूंगी आ जाएंगे कुछ ज़्यादा ही महीने हो गए या ज़्यादा स्ट्रेच हो गया एवरी डे का हो रहा था मतलब एवरीडे मैं उठ के जाऊँ और मुझे कुछ ना कुछ सुनाए नाइन टू फाइव मतलब मेरा पूरा मूड वैसे रहे मैं घर पे आऊँ मैं घर वालों से बात करती थी कि ये हो रहा है वो हो रहा है मेरे फ्रेंड्स से कह रही थी सब लोगों ने सजेस्ट किया कि तू बता दे बता दे ऐसा करके फिर मैंने वो कंटाल की वो जॉब वो छोड़ ही दी ये फर्स्ट जॉब थी आपकी नहीं सेकंड मतलब फर्स्ट वाली जो मैंने ज्वाइन कर थी एक वीक में मुझे ये मिल गई थी फुल टाइम नाइन टू फाइव थी सिटिंग जॉब तो मैंने बोला चलो कर लेते करके इंटरव्यू में सब अच्छा अच्छा वो करके मुझे लगा है वो मजे लेने के लिए नहीं करते जैसे कि हायर कर लिया फिर कि सारा काम इससे करवा लेंगे बस इतना पेपर वर्क वो सब मैं कहते वो लोग फोन भी नहीं उठाते थे आती थी वो दोनों फाइल मेरे टेबल पर रख जाते मेरी कोई कंप्लेन नहीं थी मैं सब करती क्योंकि मेरा लर्निंग फेज था मुझे जॉब की जरूरत थी तो मैंने बोला कोई नहीं जो भी काम आ रहे वेलकम करो वेलकम करो पा वो आई थिंक उसका फायदा भी उठा रहे थे मैं नई नहीं थी तो उसको पता था और फिर मैंने जब जॉब छोड़ दी तो मेरे बैक ऑफ माइंड में ना मुझे वो होता था कि यार मैंने मुझे बताने की जरूरत है किसी हुँ, को हुँ, पर मैं नए ओनर को कभी मिली नहीं थी उसका ईमेल मिल गया मुझे फिर मैंने पूरी बड़ास निकाल दी मैंने सब कुछ कह दिया दिस जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग इट आउट इन अटेंशन टेंशन दिस इज हैपनिंग ये और वो नया ओनर है उसे पता नहीं उससे पता चला कि मैनेजर ये कर रही है नीचे का मैनेजमेंट तो खराब होगा ही होगा फिर मुझे पता चला उसने पूरा रिसर्च करा कैमरा वैमरा देखा पता चला कि ये लड़की इस पूरा काम करती थी फ़ोन भी इससे उठवा रहे थे सब कुछ फिर वो आया उसने दोनों को फायर कर दिया मैनेजर को और दूसरी कलिक दोनों को फायर किया मुझे वाया वाया न्यूज़ आए कि वो आया था नहीं। नहीं। ओनर और तीन दिन से मीटिंग चल रही है वो एक वो जो फिलिपिन थी ना वो मेरे को अपडेट देती रहती थी उसने बोला कि वो आया और बहुत गुस्से में आज उन दोनों को ऑफिस में ले गया तीन दिन तीन घंटे की मीटिंग हुई दूसरे दिन हुई

तो आप मैनेजमेंट तो को रीच आउट कर दो सबको रायता मत फैलाओ क्योंकि बात बिगड़ भी, भी सकती है सोचो कि कौन सबसे अच्छा है एच है कैसे बात कर सकते हो अब रीच आउट अब जरूर करो एटलीस्ट कोई ना कोई एक्शन तो लेगा या मैनेजमेंट का बिहेवियर मेरे तरफ वो गंदा हो सकता है कि इन्होंने क्यों बता दिया तो वो ऐसे तो मतलब फ्लश वाला तो प्रॉब्लम नहीं होगा आपके साथ फ्लश मतलब। वाला तो चलो बहुत ही एक्सट्रीम है एक्सट्रीम था मतलब कुछ था, भी अगर होता है तो आई वुड सजेस्ट कि

डरो मत जैसी होता है रिपोर्ट करो। रिपोर्ट कर दो क्योंकि जैसे आपने डर के, क्योंकि वो फिर सोचेंगे ये तो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है हाँ। और करते हैं इस और मजे लेते हैं जब आप टोरंटो मूव हुए मैं कहती हूँ इंसान के ऊपर प्लेस का वो इतना नहीं है पर ये कहूंगी कि यहाँ पे हमारी कम्युनिटी ज्यादा है तो यहाँ के लोग इम्यून हो गए मतलब हम लोगों को बर्दाश्त करने में देख लिया हमारा <laughs> चेहरा बहुत सारे <laughs> इतना वैसे वो ट्रीट नहीं करते हैं वहां पे मैं कह रही उस जॉब में भी सब गंदे नहीं थे बहुत अच्छा एक दूसरी जगह पे भी थोड़ा सा ऐसा हुआ था पर इतना वहां पे कैसा मतलब वो मैंने मेरी सुपरवाइजर की जॉब थी मैनेजमेंट लेवल में वहां पे थी तो चार सुपरवाइजर हम लोग पे थे तो एक जो स्केड्यूल बनाता था वो सब वो करता था वो ज्यादा वो करता था रेसिज्म वैसे वाला जैसे कि मेरी जॉब में भी वो टॉयलेट क्लीनर का डाल देगा वो छोटी जॉब नहीं पे सब करते ठीक है मेरी मैं डाल रहा तो फिर मेरे में ही डाला हाँ। था सुपरवाइजर में हूँ ट्रेनिंग में मेरे में टॉयलेट साफ करवा नहीं आ रहा है बार बार और मुझे ओड शिफ्ट देता था मुझे हर वीकेंड देता था और क्लोजिंग वाली देता था रात का नौ दस बजे में घर जाती थी वैसे वाली वो धीरे वो बता के ऐसे करके नहीं करते वो लाइटली करते दूसरे को पता भी नहीं चलता तुम्हें तो पता चलता है कि मैं हमेशा क्लोजिंग शिफ्ट कर रही हूँ वीकेंड कर रही हूँ टॉयलेट ही साफ करी मतलब मैनेजर हूँ कि मैं क्या हूँ यहाँ पे ऐसा हुआ था पर हर गोरे नहीं करते दूसरी मैंने बोला दिदल सोच में आज भी मैं मैं बहुत थैंकफुल हूँ वहाँ पे बहुत अच्छा स्टाफ बिल्कुल नहीं मतलब कभी कोई लैंग्वेज है ऐसे कोई कोई रेसिज्म नहीं बहुत सपोर्टिव स्टाफ पे देसी पॉपुलेशन थी

होता है ना वो सेल्स वाली जो में ज्यादा कंपटीशन होता है कि परफॉर्म करना है, तो हमारे में होता है ना कि परफॉर्म करेंगे हाँ तो अप्रेजल अच्छा होगा आ, सब कुछ होगा तो वहाँ पे गोरे थे मैंने बहुत सारी कंपटीशन जीती थी मैंने मतलब पचास पिचौते डॉलर का हो मैंने आईफोन जीता है वहाँ पे मैंने बोस के स्पीकर जीते मतलब टॉप पे आती थी मैं हमेशा मैं कह रही हूँ फिर भी मेरे साथ वैसा नहीं करते हेल्थी कॉम्पिटिशन था

जी। कि देसी देसी पॉपुलेशन पॉपुलेशन है रहे है ऑफिस में हाँ। है। तो ऑब्वियसली आप उसको कोई फायदा नहीं उठा रहे बट बैक ऑफ द माइंड एक थोड़ा सा होता है कि यार डर नहीं होता जैसे आप अकेले हो ना हाँ। और फिर थोड़ा सा आप डर जाओगे बट वही आपने जैसे बोला डरने की जरूरत नहीं है अकेले भी हो गलत चीज हो रही है तो रिपोर्ट करो एज सुन एज पॉसिबल रिसर्च करो हाँ कितने सारे आप तो गूगल में सब आ जाएगा कि ये स्टेप ले सकते हो ये हेल्पलाइन है अपने फ्रेंड्स को पूछो रिसर्च करो हो जाएगा अब तुम्हें बोला मैं सस्का, में सेम जॉब ना फिर भी मैं ना डरू मतलब मैं हाँ, सबकी वाट लगा इतना good. सब एक्सपीरियंस यहाँ पे किया ना गंताला इतना नीचे तक लाता है ना वो सब करवा करवा के अब अब वो ऐसा है स्ट्रॉन्ग बनते हो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है मतलब आपको पता नहीं होता कि आपके अंदर जो स्किल्स हैं हाँ। कभी वो निकल के नहीं आएंगे कुछ नहीं आता था कि इंडिया पे, अब मैं पे अपने स्किल्स वाले वो डालते हाँ, हाँ। ऐसे ऐसे ये सब करना चाहिए मतलब यहाँ पे भी वो हो जाता है आपके चैनल का लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा तो थैंक यू सो मच देखेंगे कि क्या क्या बनाना सीख चुके हो थैंक यू और मेरे को वो हेल्पलाइन नंबर्स भी देना वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल जी वुमन के भी वो सारे right. वो हैं हाँ, कि हाँ. हाँ सब कुछ हां सब कुछ है सो so, कुछ भी मतलब आपके साथ गलत हो रहा है यहाँ पे ह, यही अच्छी बात है इस कंट्री की आपके पास राइट्स हैं हर चीज hmm. के आप रिसर्च करो यू विल बी एबल टू रिपोर्ट एनीथिंग रेसिज्म है या फिर uh, किसी लाइसेंस्ड डॉक्टर uh, या रियल्टर या किसी ने भी अच्छा नहीं किया है आपको धोखा hmm. दिया डच किया यू कैन रिपोर्ट अबाउट इट सो कुछ भी आप कर सकते हो रिपोर्ट अगर आपके पास गलत हो रहा है इस कंट्री में और आपका कितने छः महीने हो गए आपको पाँच छः महीने मैं यहाँ पर आया जून में आया तो चार पाँच महीने जितना हुआ अभी तो आपको टोटल ओवरऑल कितना कनाडा में टाइम हो गया आ, 2016 में मैं आई थी तो मैं मैथ्स में थोड़ी कच्ची हूँ गिलने इंडिया फोर्थ एंड बैक गई थी थोड़ा लंबा ब्रेक लेके वगैरह कोविड मेरी की शादी वगैरह था बट या छः सात साल आप

तो हाँ। तो तो चलती रहेगी रहे मतलब हाँ मैं कहूँ अगर अच्छी जॉब है अच्छा मैनेजर है आपका करियर वहाँ पे अच्छा है तो आप अप मत करो ठीक है आप कंटिन्यू रहो ऐसा इग्नोर करो और हो सके तो अगर किसी को रीच आउट करना तो वो कर लो बट आ, वो कमज़ोर मत रहो मैं कहूंगी ये वैसा ये हर जगह चलता रहेगा इंडिया में भी ये चलता ही है कुछ ना कुछ पॉलिटिक जैसे इसने बताया था इसको भी प्रमोशन मिल रहा है फिर भी फायर कर दिया हाँ। जो कॉन्ट्रैक्ट है दो चीजें ठीक हाँ। है तो वो सब है और दूसरा ये, हाँ। हाँ, हाँ, ये एक और दूसरा रिलेटिवस का भी मैं वैसे रिलेटिव या फ्रेंड्स जो भी एक है मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी ऑन जनरल लेवल की इंडिया से अगर आप आ रहे हो कोई भी यहाँ पे कह रहा है ना कि आ जाओ करवा दूंगा वो वाला फेमस कभी वो ट्रस्ट ना करो जो जो करवा दूंगा यहाँ पर आ जाओ यहाँ पर सब हो जाएगा घर हाँ, हाँ, मिल जाएगा मोटिवेशन मोटिवेशन आप बताओ बताओ या यहाँ पे जॉब दिलवा दूंगा रहने का हो जाएगा सब हाँ, हाँ, हो जाएगा भगवान करे वो कर दे पर किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हम दोनों को भी वैसे भी तो आप अपना वो लेके आओ कि अगर उसने नहीं किया या उससे ना भी हो पाया फॉर एनी रीजन अब अपने आप से वो रिसर्च करके आओ घर की या जॉब की या कुछ भी जॉब कि यहाँ पे फिर परेशानी हो सकती है मतलब आप कह रहे हो कि फ्रेंड या रिलेटिव अगर बोल रहा है कि आ जाओ मैं हाँ। करवा दूं, सब फोन नहीं करवाते फोन भी, भी, भी नहीं उठाता अच्छा हाँ वैसे वैसे हुए मतलब पूरे उसके ऊपर पूरा प्लान बनाया तुम लोगों ने पूरा प्रोविंस चेंज करा है सब कुछ है जॉब घर सब सेट है वहाँ पे आके फिर फोन उठाना बंद बन... तो जब आप आए थे टोरंटो ऐसे हुआ था हाँ जी <laughs> इसलिए ये बोल रही है इसलिए हाँ जी तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया आपका टोरंटो नहीं मतलब एक दो बार किया मतलब इससे तो बेटर था कि प्लान सजेस्ट नहीं किया होता तो मैं अपने आप करके आती तो, तो, तो आतीशन हाँ हाँ, मतलब ही कट कर दिए मतलब तोटेली, तोटेली कर जो भी वो सब बहुत सारी वैसी वो चीजें मतलब वैसे तो मुझे कनाडा का एक्सपीरियंस था पता था सब वैसा था पर वो इतनी होप थी इतना वो दिया था ना कि आप थोड़ा इंडिपेंडेंट हाँ लाइक रिलैक्सेंट हो जब ऐसा पता होता तो मैं पहले से जॉब या वो सब वो अपने आप करके आती कभी पता नहीं क्या क्या

जॉब का एक्सपीरियंस था तो वैसे इंडिट में सब के डालते रहे और जब भी इंटरव्यू विंटरव्यूज आते थे मतलब मैं सोचती नहीं थी कि मेरे सिटी में ही करूँ तब तो मेरे पास कार भी नहीं थी मैंने कार एक साल से ही ली है तब तक के लिए मैं स्नो में ही चलते फिरते कहां पे पे आए आए थे थे किस सिटी में आप किचनर में ही डायरेक्ट ही। तो हाँ किचनर से आप बसेस में जाते थे हाँ मैं किचनर में मैं थोड़े टाइम रही थी फिर मेरे को कैम्ब्रिज में शिफ्ट होना पड़ा तो वैसे कार से इलेवन टू ट्वेल्व ड्राइव लगता है मेरी जॉब लगी थी वाटर तो बस चेंज करती थी मैं कैम्ब्रिज से किचनर किचनर से वाटरलू कभी कभी तीन तीन बस होती थी, थी तो मैं ढाई घंटे के बाद पहुंचती थी hmm, मिनट के के कार के ट्रेवल में घंटा हाँ, मतलब जाने का और आने का तो कितना टाइम वेस्ट होता था वहाँ पे। तो मतलब और ये विंटर में भी करा होगा हाँ विंटर में भी करा है बस के लिए वेट किए माइनस ट्वेंटी ससकाचर में माइनस फिफ्टी वन था वहाँ पे भी कराए वो तो मैं जॉब करती थी पूरे मॉल में एक वीक तक हीटर खराब हो गया था पूरे मॉल का मॉल के अंदर में कर रही थी उसका जो टेक्नीशियन है वो वेकेशन पे कहीं चला गया था 51 वन माइनस फिफ्टी डिग्री में सब लोग जैकेट ग्लाउज एंड मॉल में मॉल के अंदर तो मॉल में तो फिर आएंगे नहीं कोई कस्टमर सब आ रहे हैं तो, मतलब जो जॉब कर हाँ सब सब लोग जैसे कि बाहर घूम रहे, रहे, रहे थे जैकेट कैप मॉल के अंदर वैसे घूम रहे वैसे घूम रहे थे वहां पे ये तो बहुत शॉकिंग है कि एक हफ्ते तक मॉल में हीटर नहीं है वो उन्होंने ट्राई किया था दूसरे को करने पे छोटा टाउन था वहाँ पे भी इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी वो एक वीक के वेकेशन पे गया हमारा नसीब खराब तभी वो खराब हुआ एक वीक तक सब लोग वैसे रहे थे पे पे तो वहां से आपको यहां पे तो मतलब से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट विंटर में अच्छा ही लगा होगा की माइनस फिफ्टी से माइनस ट्वेंटी बेटर तो कम हुआ मैं तो यहाँ का लगता है सबको वैसे पर मैं तो बहुत थैंकफुल क्योंकि मैं वहाँ से घूम के यहाँ पे आई हूँ आपको लगता है तो कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है

तो कैसा रहा हाउस बाइंग का आपका एक्सपीरियंस थोड़ा खट्टा मीठा है हाँ। आ, यूके हाँ. uh, में आपने घर लिया था नहीं लिया था? नहीं यूके में घर नहीं, नहीं। क्योंकि मेरा मेरा वीजा शॉर्ट टर्म का था लॉन्ग टर्म का नहीं था और वहां पर रुकने का ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं, नहीं था ज्यादा सो होम बाई नहीं किया था मैंने वहां पर हाँ बट यहाँ पर जैसे आए तो कैसा था कि मैं जून में आया राइट तो काफी सारे चैलेंजेस थे पहले तो कि क्योंकि मोगे का यहाँ पर जो रहता है राइट और अभी तो इंटरेस्ट रेट बहुत सारे बढ़ गए हैं तो वो सब हो रहा था और सोच रहे थे कि करे ना करे ऐसा हो रहा था क्योंकि ऐसा पहले सोचा था हमने कि एक साल के बाद करेंगे हम लेंगे बट थोड़ा सा ऐसा है कि ओके अभी रेंट हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं तो इतना रेंट पे करने से अच्छा है कि कितना रेंट दे रहे थे ट्वेंटी वन हंड्रेड प्लस यूटिलिटीज जो भी रहती है वो सब वन रूम

धीरे धीरे देखते हैं बाद में अगर अच्छा लगा तो दिन देखते हैं तो हाउस हंटिंग स्टार्ट किया हमने कि ओके चलो स्टार्ट करते हैं तो पहले तीन घर में ये जो भी घर में हम रह रहे, रहे वही हमें पसंद आ गया फर्स्ट तीन में ही और बाद में हमने काफी सारे घर देखे 20, क्योंकि इसमें हाँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था इसमें I mean, इस क्या पसंद है आपको में? आ, में आपने जो आपके में थे ना वो मैंने मैं दिमाग में कब से रखे थे बेस्ट तो वो वहाँ पे जाके देखा मैंने बोला ये उन लोगों ने बताया यही है वो चेक हो गया इंश्योरेंस कम हो जाती है इंश्योरेंस कम हो जाती है पार्किंग का भी वो थोड़ा सा वो मिल जाते हैं ज्यादा फिर हमारा ये टाउन हाउस है बट ये लेफ्ट वाला मतलब एंड वाला था तो कॉर्नर वो आ गई उसमें इसलिए बहुत सारे विंडोज इसमें डलवाई मुझे सनलाइट का ये कुछ ज्यादा ही है यहाँ पे कनाडा के ज्यादा ही हो गया तो इतनी सारी प्योर सनलाइट्स मिलती है वो था फिर आ, क्या था

वो वहां से दूर से वैसे दिखता है पर इतना अशोर सराबा भी नहीं आता तो कंटिन्यू वो ट्रक गाड़िया चलती रहती तो चलते लगता है आपको थ्री फ्लोर टाउन हाउस मिल गया कॉर्नर का कॉर्नर का मिल किस गया। रेट में मिला हमें मिला अराउंड सेवन सेवन हंड्रेड थाउजेंड सेवन बहुत सब मिला के और नॉर्थ फेसिंग जो हमारी प्रायोरिटी थी जो कहते हैं कि नॉर्थ फेसिंग वाला लेना चाहिए अच्छा रहता है वो तो वो हो गया सनलाइट हो गया हमें लेना था कि हो सके इतना नहीं हमें एक्चुअली प्री कंस्ट्रक्शन लेना था वो आपके देख के वो भी इंस्पायर हुए अब ना वो वीडियो था चार साल पुराना और फिर भी बहुत अब बहुत चीजें चेंज हो गई इसलिए हमें हमारा प्लान क्या था कि प्री कंस्ट्रक्शन अगर ले हम तो एक साल के बाद अगर हमें पोजीशन मिल सकता है तो तब तक हम रेडी होंगे और मॉर्गेज का जो भी रहेगा तब तक हमारा तो प्री कंस्ट्रक्शन आप लोगे तो आपको पड़ेगा नौ का तो आपको सस्ता मिला है राइट right? क्योंकि जिस स्क्वायर फीट का आपका सत्रह सो अठारह सो सत्रह सौ तो वो आपको नाइन का मिलेगा अब तो इसलिए प्री कंस्ट्रक्शन अब उतना बेनिफिशियल नहीं रहा बिकॉज रीसेल के रेट इतने गिर चुके हैं कि वो आपको बेटर रहेगा इंटरेस्ट रेट तो अगले साल या अगले, अगले साल कम हो जाएगा प्राइस तो कम नहीं होगा अगर आप सेवन थर्टी पे लिया है तो बेनिफिशियल रहता है सो अब मेरे को जैसे और नॉलेज आ गई तो अब जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं और अपडेट कर पाऊंगा कि प्री कंस्ट्रक्शन हमेशा बेटर नहीं रहता कभी कभी आपको थोड़ा सा एक दो साल पुराना और आपका एक साल पुराना एक साल पुराना ये वो तो उससे बेनिफिशियल रहता है हमारा प्रायोरिटी हाँ। तो भी वही हाँ। हाँ। था, था और उसमें आपको टेरियन वारंटी भी मिलेगी सात साल की सात साल की मिली है तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक न्यू एक्जेक्टली सो वही हमारा प्लान था तो हाउस हंटिंग स्टार्ट किया और हुँ. बाद में हमने तीन घर के बाद ये मुझे हमें मिल गया बट वो ऑन एंड ऑफ जैसा चल रहा था कि हुँ. ये ले ना ले ऐसा हुँ. कि बाद में पहले पहले देखते ही ज्यादा क्योंकि बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओ पहले देख लिए होते तो हुँ. और बाद में इसके लिए डील इसके लिए फाइनल किया होता तो बाद में हमने 20 हाउसेस देखे आफ्टर दिस वन

तो बाद में ऐसा सोचा कि चलो इसके लिए फाइनल करते बट hmm. उसमें चैलेंजेस ऐसे थे कि मैं अभी नया नहीं आया तो hmm. क्रेडिट स्कोर का जो वो पूरा रहता है राइट क्योंकि दोनों के ऊपर मोगेजिस वो लेना था तो uh, uh, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए बैंक वालों ने तो अभी एक अच्छी चीज है कि अगर कोई इंडिया से आ रहा है उसको फटाफट कर लेना है तो इंडिया के जो क्रेडिट स्कोर रहते हैं ओके वो उसके डॉक्यूमेंट्स ला, ला सकें या और बैंक वाले को दे सकते तो वो एक्सेप्ट करेंगे अभी तो वो एक अच्छी चीज है कि एटलीस्ट वो हो सकता है तो uh, हाँ वैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट्स सब दिए मेरे यूके के डॉक्यूमेंट्स दिए इंडिया के डॉक्यूमेंट्स दिए तो मॉर्गेज उन लोगों ने अप्रूव कर दिया एंड mm. जो मेरी करंट कंपनी है वही मेरी पुरानी यूके में वही मैं काम करता था mm. तो सेम कंपनी में ही हूँ तो पाँच साल से ज़्यादा हो गया मेरा वैसे भी तो बैंक uh, वालों ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया तो मॉर्गेज का वो भी uh, अच्छे से ख़त्म हो गया एंड mm. क्लोजिंग uh, हो गई हमारी एंड देन एक महीना भी हो गया अभी तो ग्रेचुलेशन तो तीन महीने में हमने सोचा नहीं था कि घर ले लेंगे वो रहने भी चले जाएंगे आ? बट वो हो गया फॉर्चुनेटली बहुत सारे दिस पूछते दिस कि तीन महीने में कैसे कनाडा में घर ले लिया मतलब ओंटारियो में कैसे ले लिया हम भी वो उसका पूरा ब्लॉग बनाने वाले हैं उसका बिल्कुल अब नहीं मेरे से कोई हेल्प चाहिए हो आप पूछ सकते हो रियल स्टेट से पता नहीं था आपका रियल स्टेट का वाला आपका ही कॉन्टैक्ट मेरा लास्ट भी किया है अच्छा okay. कांग्रेचुलेशन बट या नेक्स्ट टाइम हम आपको ही कांटेक्ट करेंगे कांटेक्ट करेंगे आप पता नहीं तो वरना तो आप इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था यार कि आप किचनर करते हो या नहीं करते नहीं ये किचनर साइड ब्रैम्पटन मिसेस आ ये तो पूरा तो जिस एरिया का हमें आइडिया है मिल्टन बर्लिंगटन मिसिस में अभी नेक्स्ट ईयर फेम में हाँ, क्लोज हाँ, हाँ, होगा कॉन्डो किचनर तो इनका हमें आइडिया है तो वो तो मार्केट कवर करेंगे बट uh, इतनी जल्दी आपने घर कंग किया और अब सब कुछ स्मूथ चल रहा है आपकी भी जॉब चल रही है आपकी भी चल रही है। और स्ट्रॉन्ग uh, पर्सनैलिटी बन गया आप <laughs> इनको भी बना देना छह महीने में <laughs> बहुत चीजें सीखने वाली है है ना विंटर में आने सो वो बनना पड़ेगा मुझे आ, और जो भी आपने शेयर किया बहुत हेल्प होगी आपने ऑनेस्टली इतनी सब कुछ चीजें शेयर करी है नीचे सारे डिटेल्स हम डाल देंगे एंड इनका चैनल आप देखिए आप लेकिन रेगुलरली वीडियो डालिए तभी देखेंगे ना लोग एक महीने में एक वीडियो डालोगे तो फिर कौन देखेगा सही है ठीक सही है तो कुकिंग के डालिए आप या घूमने फिरने के डालिए आप एंड थैंक यू सो मच फॉर अ टाइम थैंक यू सो मच फॉर मीटिंग यू थैंक यू थैंक यू सो मच